स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट ऑफ ईएमआई सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट. ओके, इन दैट वी फर्स्ट वी सी द ब्लॉक डायग्राम्स, सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सिस्टम. ओके, सो सी द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम. इन दैट we see the which blocks are there, that is transducer or sensor, and then signal conditioning device, then display unit or indicating device. Okay, so start with this explanation. First point is that the block diagram of electronic measurement system consists of transducer or sensor and signal conditioning device and display unit or indicating devices. Okay, then see one by one explanation of this block. The first block is that is a transducer, okay, or sensor. First point is that in this block it is also known as a primary sensing or sensor element. हम लोग इसको क्या बोलते हैं, primary sensing or sensor element भी बोलते हैं. Okay, it converts physical quantity into the electrical signal. ये क्या करता है, physical quantity to electrical signal. अभी physical quantity means कौन सी, for example temperature है, pressure है, या लेवल्स है, या फिर डिस्टेंस है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉक का देखें, इसमें और एक पॉइंट है, द आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर इज अ इलेक्ट्रिकल इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस. मीन्स ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आता है, इलेक्ट्रिकल आता है. This is because the electrical signal convenient to handle and process. Okay, ये क्यों होता है, because जो भी electrical signal है वो कैसे होता है, convenient होता है handle करने के लिए और process करने के लिए. Okay, उसके बाद में next block देखेंगे, that is signal conditioning device. इसमें first point है, its function is to process the transducer output signal such that it is a suitable फॉर द डिस्प्ले यूनिट. मीन्स ये जो सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस है वो क्या करता है, जो भी आउटपुट आता है ट्रांसड्यूसर का, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो उसको कन्वर्ट करता है सुटेबल फॉर्म में. मीन्स जो भी फॉर्म डिस्प्ले यूनिट को सुटेबल हो वो फॉर्म में क्या करता है, ये सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस कन्वर्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटू सुटेबल फॉर्म. ओके, एंड इट इन्वॉल्व्स एम्पलीफिकेशन, बफरिंग, फिल्टरिंग और स्केलिंग. ओके, इसमें क्या क्या हो सकता है, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस हो सकती है, बफरिंग भी हो सकता है, फिल्टरिंग भी हो सकता है, स्केलिंग भी हो सकता है. ओके, एक्सेट्रा. उसके बाद में क्या है, दैट इज डिस्प्ले यूनिट और इंडिकेटिंग डिवाइस. ओके, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिस्प्लेज द क्वांटिटी अंडर अ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड रिस्पेक्टिव यूनिट्स. मीन्स हम लोग ये क्यों यूज कर रहे हैं ब्लॉक, बिकॉज डिस्प्ले नंबर्स एंड रिस्पेक्टिव यूनिट्स. ओके, डिस्प्ले डिवाइसेस हम लोग यहाँ पे कौन कौन से यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायल पॉइंटर, एलईडी डिस्प्ले और एलसीडी डिस्प्ले. ठीक है, और एक्सेट्रा, हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट यूज कर सकते हैं. ओके, उसके बाद में एडवांटेज भी देख लेंगे इसके. इसका फर्स्ट एडवांटेज है, पावर कंजम्पशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी लेस. पावर कंजम्पशन बहुत कम लगता है, साइज इसकी कॉम्पैक्ट है. ओके, डिस्प्ले इज कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव. इसका जो डिस्प्ले है कन्वीनियंट है और इफेक्टिव भी है. उसके बाद में क्या है, डेटा रिकॉर्डिंग कॉमा रिमोट सेंसिंग इज पॉसिबल. हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम डेटा क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और रिमोट सेंसिंग भी कर सकते हैं. ओके, इसके बाद में अभी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है उसके नोट्स फॉर्म में देखेंगे. ओके, सी दीज आर द नोट्स. ओके, द फर्स्ट दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट सिस्टम इज कंपोज्ड, दैट इज इंक्लूड
following elements, that is, first it is the transducer, signal conditioning and display device or indicating device. Okay, next देखो जो डिटेल में हम लोगों ने ट्रांसड्यूसर देखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेंसिंग और सेंसर एलिमेंट. इट कन्वर्ट्स फिजिकल क्वांटिटीज, एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल डिस्टेंस एक्सेट्रा इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सेकेंड पॉइंट देखो, द आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर इज इलेक्ट्रिकल इन मेजोरिटी ऑफ द cases. This is because the electrical signal is convenient to handle and process. Okay, next देखो, that is signal conditioning device. इसमें first point क्या है, it is, its function is to process transducer output signal such that it is suitable form for the display unit. It involves एम्प्लीफिकेशन, बफरिंग, फिल्टरिंग एंड स्केलिंग एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट ब्लॉक था डिस्प्ले यूनिट और इंडिकेटिंग डिवाइस. उसमें फर्स्ट पॉइंट था, इट डिस्प्लेस द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड रिस्पेक्टिव यूनिट. और सेकेंड पॉइंट है, डिस्प्ले डिवाइस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायल, पॉइंटर, एलईडी डिस्प्ले और एलसीडी डिस्प्ले. ओके, उसके बाद में एडवांटेज देखे थे हम लोगों ने. फर्स्ट है, पावर कंजप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज वेरी लेस. सेकंड है, द साइज इज कॉम्पैक्ट. थर्ड है, डिस्प्ले इज कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव. एंड फोर्थ लास्ट है, डेटा रिकॉर्डिंग कॉमा रिमोट सेंसिंग इज पॉसिबल. ओके, ये हो गया सब जो है ब्लॉक डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हो गया. यहाँ पे जो पॉइंट है आज का वो एंड हो चुका है. सो थैंक.